हाथरस जिले के सैपो ब्लैक क्षेत्र के गांव गड़ी एवरन में राशन डीलर पर फर्जी कागजात लगाकर राशन की दुकान हासिल करने की शिकायत पर नवीन राशन डीलर के चयन को लेकर खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीओ पंचायत अनिल उपाध्याय और सेक्रेटरी अमरीश अग्रवाल, ग्राम प्रधान श्याम सुंदर सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। खुली बैठक में नवीन राशन की दुकान के लिए दो महिलाओं ने अपना आवेदन किया, जिसमें अनीता देवी पत्नी भूरा और दूसरा अदिति पत्नी मनमोहन शामिल थी। ग्रामीणों ने अनीता देवी के पक्ष में 103 लोगों ने अपनी सहमति जताई, तो वहीं अदिति के पक्ष में सिर्फ 40 लोग ही सहमति दिखाते नजर आए, जिसके बाद खुली बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बहुमत के चलते नवीन राशन की दुकान के लिए अनीता देवी को राशन डीलर नियुक्त कर दिया। आज गड़ी एवरन में खुली बैठक हुई है, क्या कारण है इसका, क्या किस लिए हुई है? ये पहले गड़ी एवरन का प्रस्ताव गया था, 4 समूहों ने आवेदन किया था, किंतु वो निरस्त कर दिया गया, कोई पात्र नहीं था उसमें। तो अब खुली बैठक की गई, जिसमें खुली बैठक में 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक का अनीता देवी और दूसरा दीप्ति, इन दोनों की गिनती फिर कराई, लाइन लगवा कर गिनती कराई गई, जिसमें अनीता देवी को 103 और दीप्ति को 40 मत मिले। सर, राशन डीलर का जो नवीन चयन हुआ है और जो पूर्व के राशन डीलर थे उन पर क्या रोक था जो उनसे राशन डीलर? ये मैं अभी नया नया आया हूँ, मुझे ऐसी इसकी जानकारी नहीं है। तो अब नवीन राशन डीलर का चयन हो गया है? नवीन राशन डीलर का प्रस्ताव लिख गया, चयन करना उच्चाधिकारियों का काम है, हम लोग प्रस्ताव बना करके सचिव साहब ग्राम प्रधान जी भेजेंगे।